कि मोबाइल रिंगटोन जो है एकला चलो रे, कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं, हमारे जो कवि कुल गुरु थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये उनका दिया हुआ मंत्र है कि यदि तुम्हारी पुकार सुनकर के कोई नहीं आता है तो तुम अकेले चलो, और मैं अकेला चल रहा हूं, मेरे पिता अकेले चले, हम सत्य के साथ हैं और किसी के साथ नहीं है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये पुराना नीति वाक्य है, सत्य बोलो मीठा बोलो, कड़वा सत्य मत बोलो, मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन मेरा कहना ये है कि क्या सूर्य कभी सॉफ्ट हो सकता है? सत्य जो है वो अपनी प्रखर रश्मियों के साथ, अपने संपूर्ण तेज के साथ प्रकाशित होता है। यदि कोई उसको सहन नहीं कर पाता तो ये उसकी अपनी निजी फिजिकल डिसएबिलिटी है, वो इलाज करवाए क्यों नहीं देख पाता है, वो क्यों नहीं सहन कर पाता है। तो सत्य कहने का सामर्थ्य और साहस समर्थ गुरु रामदास महाराज की कृपा से, वज्रांगदेव हनुमान महाप्रभु की कृपा से, और मेरे पिताश्री के संस्कारों की कृपा से मेरे मुझ में है। लेकिन सहन करने का साहस ये तो सुनने वालों को अपने में उत्पन्न करना पड़ेगा ना। तो सत्य बोलो, ऐसा बोलो जो कलेजे के आर पार हो जाए, याद रहे कि किसी ने सच बोला था, और जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाए, इस प्रकार के सत्य को का क्या लाभ है। समान नागरिक संहिता की बात बार बार होती है लेकिन होता कुछ नहीं है, क्या आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता में क्या आपत्ति है? अगर आप सबका साथ और सबका विकास, तो कॉमन सिविल कोड ये शब्द और समान नागरिक संहिता, ये भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का पुराना वादा है देश के साथ, क्यों पूरा नहीं करते आप इसको? क्यों अड़चन आती है आपको, क्यों आपको इसमें झिझक होती है? ये बनाइए कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। जब हिंदुओं ने हिंदू कोड बिल को स्वीकार कर लिया, और जितने भी संशोधन आपने किए विवाह संबंधी, सबको हिंदुओं ने स्वीकार किया, मुसलमानों में से कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या होता है? एक लोकतांत्रिक देश में अमुक अमुक के अलग अलग अपने अपने लॉ, ये जहालत की पराकाष्ठा है, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास, तो सबके लिए एक कॉमन कानून ये स्थापित होना चाहिए।